देश में चुनाव हो और विवादित टिप्पणियां ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राजनीति के गलियारों में भी इस समय राष्ट्रपति चुनावों को लेकर ही चर्चा हो रही है। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को और यूपीए की तरफ से यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। चुनावों में महिलाओं को लेकर हमेशा से विवादित टिप्पणी की गई है और अब बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा की मुश्किलें एक टिप्पणी की वजह से बढ़ती नजर आ रही है। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में राम गोपाल वर्मा के खिलाफ आईटी एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि कुर्सी रोड निवासी मनोज कुमार सिंह की तहरीर पर फिल्म निर्माता के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मनोज ने आरोप लगाया है कि फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा की टिप्पणी समाज पर गलत असर डालेगी, ऐसे में फिल्म निर्माता के खिलाफ कार्रवाई किया जाना जरूरी है। बता दें कि बीते दिनों राम गोपाल वर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा था कि अगर द्रौपदी राष्ट्रपति हैं, तो पांडव कौन है, उससे भी जरूरी यह है कि कौरव कौन है। राम गोपाल वर्मा के इस ट्वीट से बीजेपी सहित कई पार्टियों ने आपत्ति जताते हुए हंगामा भी किया था। हालांकि इस विवादित ट्वीट पर फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा ने एक स्पष्टीकरण भी ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट किया कि महाभारत में द्रौपदी मेरा पसंदीदा चरित्र है, लेकिन चूंकि नाम इतना दुर्लभ है इसलिए मैंने केवल संबंधित पात्रों को याद किया। मेरा किसी की भावनाओं को आहत करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। माफी मांगने के बाद राम गोपाल वर्मा ने द्रौपदी मुर्मू की तारीफ करते हुए आगे लिखा, इस अतुलनीय प्रतीत अत्यंत सम्मानीय द्रौपदी नाम की राष्ट्रपति होने के नाते यह है कि पांडव और कौरव दोनों अपनी लड़ाई भूल जाएंगे और एक साथ उनकी पूजा करेंगे और फिर महाभारत को एक नए भारत में फिर से लिखा जाएगा और दुनिया को भारत पर गर्व होगा। जय भाजपा। अगले ट्वीट में राम गोपाल वर्मा लिखते हैं कि माननीय द्रौपदी जी पर किए गए व्यापक शोध, उनकी आंखों की तीव्रता और उनकी मुस्कान और चेहरे की आकृति दोनों की गहराई का अध्ययन करने के बाद मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह पूरी दुनिया में अब तक की सबसे महान राष्ट्रपति होंगी। थैंक यू बीजेपी। और खबरों के लिए देखते रहे इंडिया TV।